सर लोकसभा चुनाव के बाद जो हुआ का बयान आया है उस पर क्या कहना? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं समाजवादी कार्यकर्ताओं की। सर जो बुआ का बयान है उस पर, और आपको बुआ नहीं बोलना चाहिए, आप पत्रकार हैं। मैं गठबंधन को कहकर के यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा। और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन सवाल ये राजनीतिक नहीं है चुनाव का, ये चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन जो विजय यादव चला गया क्या वो वापस आएगा? क्या जौनपुर का जो कार्यकर्ता चला गया वो आ जाएगा? हमारे लिए गठबंधन इस समय जरूरी नहीं है। हत्या जिसकी हुई है उसको क्या न्याय मिलेगा, ये ज्यादा जरूरी है। उनके परिवार का मांग है, अखिलेश ने कहा है कि परिवार चाहता है उसे न्याय मिले, परिवार चाहता है कि दोषियों के दोषी पकड़े जाएं, परिवार चाहता है उसकी तीन बेटियां हैं मदद हो। समाजवादी सरकार थी तो मदद होती थी परिवार की, अब मदद कहाँ हो रही है? ये अभी कह पाना मुश्किल है। मैं समझता हूँ यहाँ जागरूक पत्रकार लोग हैं, गाजीपुर के लोग हैं, आपके गांव पड़ोस में भी बूथ रहे होंगे, आपने भी वोट डाला होगा, आपसे अच्छा आकलन कोई नहीं कर सकता। और मैं तो चाहूंगा हम कुछ कहें, कोई कुछ कहे, आप आकलन जरूर करें। ये सरकार कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रही, पूरी बर्बाद है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था यही रास्ता है कि हम कार्यकर्ताओं से मिलें, उनको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी, और जरूरत पड़ेगी तो संघर्ष भी होगा और सड़कों पे भी जाएंगे, लेकिन अभी पहले कम से कम न्याय तो मिले। देखिए, अभी कह पाना मुश्किल है, हम अपने लीडर से सभी से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे, और अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत और बधाई सब लोगों को। जिला पंचायत के सदस्य विजय यादव, उनकी हत्या हुई है, और हत्या करने वाले जितने भी संख्या में थे, अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है घटना का, अभी घटना का खुलासा नहीं हुआ है। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि घटना का खुलासा हो, जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं, हत्यारों को सरकार जेल भेजे। जहां सरकार ये दावा करती है कि कानून व्यवस्था उनकी सरकार में सबसे प्राथमिकता में है, तो मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री आए और अपना कार्यकर्ता बता करके अपने कार्यकर्ता को कंधा दें, और उसके बाद पुलिस हरकत में आए, सब दोषी पकड़े जाएं, हम उसी सरकार से जानना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी का बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता था, जनता की सेवा करते करते ये जिला पंचायत का सदस्य बन गया, परिवार में प्रधानी है, समाज में एक इसकी प्रतिष्ठा और सम्मान है। अगर उसकी घर पे हत्या हो जाए, क्या कोई सोच सकता है कि घर पे लेटा हो, सोने जा रहा हो, और उसकी हत्या हो गई हो जाए, तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है? कम से कम सरकार जो दावा कर रही है वो कानून व्यवस्था पे तो मदद, इस परिवार की मदद करे। अभी जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं है पर्याप्त। उनके परिवार को जो भरोसा दिलाया है प्रशासन ने कि उनका लाइसेंस बनेगा, मैं समझता हूँ लाइसेंस तो एक दिन में बनता है, सरकार हम लोगों ने भी चलाई है, एक एक दो दो दिन में लाइसेंस बना करके दे देते थे, लेकिन सरकार कुछ मदद करने के तैयारी में नहीं है। और कानून व्यवस्था केवल गाजीपुर की मैं नहीं कहना चाहता, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई है। कहीं लड़कियां जिंदा जलाई जा रही हैं, कहीं बताओ लखनऊ राजधानी, वहां पर लड़की को उठा ले जा रहे हैं, डायल 100 नंबर न होता तो शायद वो बच्ची नहीं बच पाती। और फिर प्रदेश में एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं हो रही हैं जहां पॉलिटिकल लोगों की हत्या कराई जा रही है,
जौनपुर में देखिए वो भी जिला पंचायत सदस्य था, वो भी समाजवादी पार्टी का था, उसकी भी हत्या कर दी। आखिरकार ये सरकार क्या चाहती है?